हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपक आर्ट। दोस्तों, आज हम एक शादी में जो पेंटिंग करने गए थे, वहाँ हमने राम सीता जी की एक पेंटिंग बनाई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने पेंटिंग बनाई है, वो जो इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो बहुत डार्क था, नीले रंग का था, इसलिए कलर का जो भार है बहुत कम आया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी पेंटिंग। तो उसी पेंटिंग के बारे में आपको हम ये बताने वाले हैं दोस्तों, कि इस पेंटिंग को हमने कैसे तैयार किया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों, जब भी इस पेंटिंग को हमने रेडी करना शुरू किया, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमने बताया कि आपको पहले बताया, अभी बता रहा हूँ सर, ये कि हमें ये स्केच किया। स्केच करने के बाद हमने इस पर हल्का हल्का माउथ स्प्रे से स्प्रे किया है, और स्प्रे करने के बाद फिर हमने जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर से इसकी आउटलाइन बना दी पहले से ही, ताकि ये पता चले कि हम जब उस पर कलर स्प्रे करें तो दबे मत पेंसिल का, जो हमने जो स्केच किया था, इसलिए हमने पर्पल से उसमें आउटलाइन बना दिया। अब आउटलाइन बनाने के बाद दोस्तों, हमने उसके बाद स्प्रे किया है जी। उसके बाद स्प्रे करने के बाद फिर हमने ब्लैक से इसमें शेडिंग दे 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 कर, और इसकी आउटलाइन बना बना कर हमने इस राम सीता जी की पेंटिंग जो है, उसे हमने रेडी किया है। और देखिए दोस्तों, ये डार्क एकदम नीले रंग की दीवार थी, जिसपे हमने राम जी की और सीता जी की पेंटिंग की है शादी में हमने, और इसे हमने रेडी किया, तैयार किया दोस्तों, फ्लोरोसेंट की कलर की सहायता से और अपने ब्लैक कलर की इमल्सन की सहायता से दोस्तों। तो ये पेंटिंग काफ़ी सरल भी है दोस्तों, बहुत अच्छा भी है, बहुत सुंदर भी है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, इस मेरे चैनल में बने रहें और हमारे इस वीडियो को देखें। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया दोस्तों, बहुत ही सुंदर भी है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहें दोस्तों, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो दोस्त वो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी जो भी अगली वीडियो आए वो आपको पहले मिल जाए दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने इस दीपक को काफ़ी प्यार भरा आशीर्वाद भी दें, ताकि हम भी ग्रो करें, आगे चलें। तो और कुछ भी दोस्तों आपको कहना हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आपको जो भी कहना हो आप उसे कह सकते हैं, और जो कुछ पूछना हो, कहना हो, वो आप बिल्कुल आप हमें कह सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर भी इसमें हमने दे दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और पेंटिंग करने के लिए दोस्तों, आपको कौन सी कलर अच्छी होती है सारी पेंटिंग के लिए, उसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहूँगा, आपको वहाँ पता चल जाएगा। और जो भी आपको देखना हो, कुछ भी जानना हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, और वहाँ पर जाके हमने लिंक दे दिया रहेगा दोस्तों, उस लिंक में जाकर आप अपना जो भी आपको पेंटिंग की जानकारी लेनी है, देखनी है, वो आपको उसमें मिल जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहें, आपका अपना दीपक आर्ट।